सो हे गाइस, वेलकम टू मेरे प्यारे क्लास 10 एंड 12 स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल एग्जाम न्यूज। गाइस, आज बहुत सारे बच्चों से जिन्होंने प्रैक्टिकल दिया, चाहे वो 10th के हों या 12th के हों, बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई, इंस्टाग्राम पे हुई, कुछ मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के ही बच्चे थे, उन सबसे बात करके मुझे दो चीजें लगी, दो तरह के बच्चे मुझे मिले। एक, जिनका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा हुआ एंड वो पूरी तरह से सेटिस्फाई है जो सीबीएसई के रूल्स एंड रेगुलेशन थी एंड जो स्कूल में प्रैक्टिकल्स कंडक्ट कराए गए उसके थ्रू। लेकिन कुछ बच्चों का ग्रुप ऐसा भी था जो ये कह रहे थे कि सर कहीं ना कहीं स्कूल वाले पार्शियलिटी कर रहे हैं, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ने में अच्छे हैं उनका प्रैक्टिकल कैसा भी हुआ हो उनको ज्यादा मार्क्स दिए जा रहे हैं और जो बच्चे नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट थे पढ़ाई के टाइम पे, कॉलेज के क्लास के टाइम पे, बट स्टिल उन्होंने प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छा दिया, सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, प्रैक्टिकल फाइल सबमिट की है, लेकिन फिर भी उनको पूरी तरह से मार्क्स नहीं दिए जा रहे हैं, उनको 17-18 मार्क्स दिए जा रहे हैं। वही नॉर्मल स्टूडेंट जो पूरी तरह से क्लास में परफॉर्मेंस इनकी अच्छी थी, उनका प्रैक्टिकल कैसा भी हुआ, उनको 19-20 मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाली बात है और ये एक बहुत बड़ा इशू भी है, क्योंकि देखो 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, अगर आप 80 में से 80 भी ले आते हो और आपके प्रैक्टिकल में 15 मार्क्स मिलते हैं तो भी आपके 95 हो जाएंगे, लेकिन वही अगर आपके इंटरनल्स में आपके प्रैक्टिकल में 20 मार्क्स अगर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप 70 भी परफॉर्म करते हो अपने बोर्ड एग्जाम में तो भी आपके 90% मार्क्स बन जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा इशू है इस टाइप पे, जो बच्चे सेटिस्फाई नहीं है। तो आप भी मुझे सबसे पहले तो कमेंट करके बताओ कि आपके स्कूल में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए, आपकी डेट्स हो सकता है कुछ बच्चों के भी ना भी स्टार्ट हुए हों, क्योंकि 15-15 बच्चों का ग्रुप बनाना है। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए और हुए हैं तो क्या आप उससे सेटिस्फाई हो, एंड अगर आप अपने प्रैक्टिकल से सेटिस्फाई नहीं है तो तुम चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, डीएम भी कर सकते हो। माई इंस्टाग्राम इज SURYA0315, क्योंकि ये एक मेजर इशू है। बेजर इशू इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि छोटी सी तुम्हारे स्कूल की गलती है, तुम्हें स्कूल की थोड़ी सी पार्शियलिटी की वजह से तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे बोर्ड एग्जाम में, जो कि बहुत गलत बात है, क्योंकि तुम्हारी परफॉर्मेंस के बेसिस पे तुम्हें मार्क्स मिलने चाहिए, ना कि तुम्हारे पार्शियलिटी के बेसिस पे। और स्कूल वालों को तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए गाइस। तो मेक श्योर मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, और मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली चाहो तो मुझे डीएम भी कर सकते हो, अगर स्कूल में पार्शियलिटी हो रही है तो मेक श्योर मुझे कॉन्टेक्ट जरूर करना या फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस। मैं मिलूंगा आप लोगों से नई वीडियो में सीबीएसई की नई अपडेट्स के रिगार्डिंग। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। गुड लक।